पंजाब पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान में जालंधर के शाहपुर सिटी इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे 3 छात्रों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार इन छात्रों के तार कश्मीर के आतंकवादी संगठन अंसार गजवात उल हिंद के साथ जुड़े हुए हैं। पंजाब के पुलिस महानिदेशक DGP सुरेश अरोड़ा ने बुधवार को कहा कि जालंधर के बाहरी हिस्से शाहपुर स्थित सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के हॉस्टल में संयुक्त टीम ने छापा मारा था और छानबीन के दौरान बीटेक सिविल के द्वितीय सेमेस्टर के छात्र जाहिद गुलजार के कमरे से एक असॉल्ट राइफल AK-47 समेत 2 हथियार, एक मैगजीन और विस्फोटक जब्त किए गए। पुलिस ने उसके कुछ साथियों को भी गिरफ्तार किया है। अरोड़ा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और पंजाब पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि पंजाब और जम्मू कश्मीर में इन संगठनों और व्यक्तियों की साजिश और नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। पकड़े गए आरोपियों की पहचान श्रीनगर के अवंतीपुरा में रहने वाले जाहिद गुलजार, पुलवामा के मोहम्मद इदरीस उर्फ नलीम और यूसुफ रफीक भट्ट के रूप में हुई है। इस संबंध में जालंधर के सदर थाना में मामला दर्ज किया गया है। जालंधर के पुलिस कमिश्नर यहां पर जेएस बुल्लर जी हैं। अच्छा बुल्लर साहब, आज आपने आपकी ग्रुप का यहां पर एक साजिश को नाकाम किया है, किस तरह की साजिश थी? देखिए, AGH ग्रुप के जो एफिलिएटेड स्टूडेंट्स हैं 3, उनको गिरफ्तार किया। इनके पास से कुछ वेपन और एक्सप्लोसिव मिला, तो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे जो भी इनकी अभी संगठन के साथ एफिलिएशन थी उसको ब्रेक कर दिया गया। तो सर, किस तरह के वेपन मिले और ये क्या घातक वेपन थे? वो AK-47 थी, आर्म्स एमिनिशन और पिस्टल था और कुछ एक्सप्लोसिव है। तो बट मैं जैसे आपको शेयर कर रहा हूँ कि अभी वो अपना शुरू ही करने वाले थे काम, या इस काम में मिलिटेंसी में उनका अपना कदम रख रहे थे। पहले ही पुलिस ने, J&K पुलिस और पंजाब पुलिस ने इकट्ठे होके ये सारा जो है मॉड्यूल फर्स्ट। तो सर, इस तरह अगर बात की जाए, यहाँ जो एक हॉस्टल में, एक कॉलेज के हॉस्टल में यहाँ पर जो बच्चे मिले हैं, अंदर लेके कैसे गए, किस तरह से अपना काम है? वो एंगल भी यूनिवर्सिटीज़ का, सिक्योरिटी का सारा हम एग्जामिन कर रहे हैं और जो भी उसमें लीगैलिटीज़ की ज़रूरत होगी वो भी हमको ऑर्डर पास करना है, वो भी सारा किया जाएगा और उनका भी रोल जो है सिक्योरिटी एजेंसीज का वहाँ देखा जाएगा।